बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम रियल स्कॉलर स्कूल सिस्टम। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 52। स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ्स क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.6। मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था अबाउट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सब फेमिलियर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट रियल हो और एक पार्ट इमेजिनरी हो, यानी आयोटा वाला हो, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम तीन बातें पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के मिड में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन एग्जिस्ट कर जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाए तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे, और अगर एडिशन की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में आ जाए तो किस तरह हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हमने ये तीन केसेस पढ़ने हैं। अब आप सबसे पहले देखें कि आपके पास अगर थ्री केसेस मैंने आपको कहे हैं, ठीक है। थ्री केसेस में अगर आप चेक करें तो अगर आपके पास, अब देखें कि अगर आपके पास आयोटा, आज आप जो तीन केसेस पढ़ेंगे वो ये हैं कि अगर आपके पास आयोटा दो ब्रैकेट्स के मिड में प्लस आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, दो ब्रैकेट्स के मिड में माइनस आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, दो ब्रैकेट्स के मिड में कुछ भी ना एग्जिस्ट कर रहा हो तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर आयोटा डिवीजन फॉर्म में आ जाए तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ये चार बातें आप आज करोगे, ठीक है। तो ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो आपसे बोला जाता है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, के हर कॉम्प्लेक्स नंबर को इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो ए प्लस बी आयोटा। अब आपने आंसर ए प्लस बी आयोटा में देना है, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी उसमें क्या हो, रियल नंबर्स हो। अब अगर आप देखें तो आपके पास दो ब्रैकेट सिमिट में क्या साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी दो ब्रैकेट सिमिट में प्लस होता है तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट्स को करना है ओपन। आप अगर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। सिर्फ दो बातें आपने याद रखनी, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस एग्जिस्ट किया तो इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस एग्जिस्ट किया तो जैसे हैं साइन वैसे ही रहेंगे। अब देखिए मैं इक्वल और रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2 + 3 आयोटा, ठीक है, +7 - 2 आयोटा। देखिए मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया, 2 आयोटा के साथ माइनस था, 7 के साथ प्लस था, एज इट इज़ लगाए, सिर्फ ब्रैकेट रिमूव कर दी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था, प्लस था। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो 4 की 4 जो टर्म्स हैं एज इट इज़ आती हैं, कोई साइन चेंज नहीं होता। 2, 3 आयोटा, 7 और 2 आयोटा। अब आपने रियल पार्ट्स को एक तरफ कर देना है और इमेजिनरी को एक तरफ कर देना है। अब आप इसमें देखें आपके पास रियल कौन से हैं, अगर आप देखें 2 और 7, ये दोनों रियल हैं बिकॉज इनके साथ आयोटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इनको रीअरेंज करेंगे हम 2 + 7, ठीक है। पहले हमने रियल पार्ट लिख दिया, अब इमेजिनरी लिखेंगे, +3 आयोटा - 2 आयोटा। अब 2 + 7 = 9, 3 - 2 क्या होता है आपके पास, +1 आयोटा, ठीक है, 1 हम मेंशन नहीं करते होते तो आयोटा, दिस वन इज आंसर। आप देखें आपका आंसर अब ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल आपने ये करने, इनको अरेंज करके सॉल्व कर देना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 2 अगर देखें तो पार्ट 2 में जब आप देखें यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 5 से, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आयोटा से। सेम केस 3 हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा। नाउ 2 5 = 10, 2 4 = 8 आयोटा, 3 7 = 21, माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, 3 4 = 12 आयोटा। अब आप उसी तरह रियल पार्ट एक तरफ कर लीजिए, 10 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, -21, और आयोटा वाले एक तरफ कर लीजिए, +8 आयोटा - 12 आयोटा। हमने रीअरेंज कर दिया इनको, रीअरेंज करने के बाद हम इनके आंसर्स लिखेंगे। आंसर अब देखिए 10 - 21, आपको पता है +10 - 21 क्या होता है, करते हैं माइनस है, साइन लगाते हैं ग्रेटर का, हम माइनस करेंगे और 21 में से 10 आप माइनस करो तो आपके पास 11 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास आएगा -11, और अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे आयोटा वालों को, +8 - 12, तो आप देखें +8 - 12 आपके पास क्या होता है, करते माइनस है और साइन लगाते हैं ग्रेटर का, -4 आयोटा, दिस वन इज आंसर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज दिस पार्ट 3, -(-3). अब देखिए बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये जो -3 है ये किस में चेंज हो जाएगा, +3 में, +5 आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, -5 आयोटा में। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो +4 किस में चेंज हो जाएगा, -4 में,
प्लस 9 आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस 9 आयोटा में। अब देखिए रियल पार्ट एक तरफ कर लीजिए, 3 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 4, और माइनस 5 आयोटा के साथ किसको आप लिख देंगे, माइनस 9 आयोटा। हमने रीअरेंज कर लिए, 9 प्लस 3 माइनस 4 क्या होता है ये देख लें, और माइनस 5 और माइनस 9 क्या होता है ये देख लें। दिस वन इज, एक प्लस एक माइनस करेंगे माइनस, 4 में 3 गए 1 और साइन लगाएंगे ग्रेटर का, डैट इज़ माइनस। दोनों माइनस हैं, सेम साइन है, करेंगे ऐड और साइन लगेगा जो दोनों के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, 9 और 5 14। तो अब देखिए 3 माइनस 4 इज माइनस 1, माइनस 5 और माइनस 9 माइनस 14 आयोटा। ये पार्ट भी आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी से पार्ट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डैट इज पार्ट नंबर 4, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके लिए आपको 2.5 का जो आपने फर्स्ट पार्ट किया था ये उसी से रिलेट है। आपने ये देखना है कि आपने ये करना है कि ये तमाम जो टर्म्स हैं ये आपके पास सेपरेट है, 2i² 6i³, ये समझ लें आप अलग अलग क्वेश्चन है, ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है, आपने इनको माइंड में इसी तरह रखना है कि ये एक सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, सबको आपने सेपरेटली सॉल्व करना है। अब आप देखें, आपने पढ़ा हुआ है 2i² की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, i² की जगह हम क्या लगा सकते हैं, माइनस 1। i² की जगह आपने ब्रैकेट में पुट कर देना है माइनस 1, क्योंकि आपको पता है i² किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के। नेक्स्ट आप वैल्यू देखें तो वो आपके पास क्या है, प्लस 6 i³ को आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक करेंगे हम, i² सेपरेट करेंगे और 1 i सेपरेट कर लेंगे। 3 i² को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर क्या, 2 कितने ज़ा 16, 2 8 ज़ा, अब 19 ओड है, ओड को ब्रेक कर दें, 18 अलग 1 आयोटा अलग, 4 आयोटा 25 है, 25 भी 2 की टेबल में नहीं आता, तो क्या करेंगे 24 सेपरेट कर लेंगे और 1 आयोटा सेपरेट कर लेंगे। अब आप देखें मैंने इनको जब सॉल्व करना शुरू करना है तो आपने ये चीज़ देखनी है, ये एक अलग टर्म थी, ये अलग टर्म थी, ये अलग थी, ये सेपरेट टर्म और ये अलग टर्म, इनको आपने माइंड में इसी तरह से रखना है, ठीक है। अब देखें आयोटा 3 भी ब्रेक हुआ, 2 और 1 3, 16 को मैंने ब्रेक नहीं किया क्योंकि 2 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, 2 8 16, 19 को ब्रेक किया 18 और 1 19, 25 को ब्रेक किया 24 और 1 25, ठीक है। अब आप लोगों ने जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ क्या सब्सटीट्यूट करना है, माइनस 1। अब आप देखें दिस वन इज, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 2 1 2 माइनस 2, ये तो हो गया सोल्व, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, माइनस 1, और आगे ये देखें ये वाला आयोटा, ठीक है। अब इस टर्म पे आ जाइए, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, माइनस 1, और माइनस 1 होल पावर क्या है, 8, माइनस 6 आयोटा 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कितने ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 और 1 आयोटा सेपरेट। आयोटा 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कितने ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा यानी 2 12 ज़ा और ये वाला आयोटा साथ में। अब नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 2, प्लस माइनस, माइनस 6 1 ज़ा 6 आयोटा, प्लस 3 इंटू माइनस 1 को जब आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस 1, माइनस 1 की पावर क्या, 9 और 1 आयोटा सेपरेट। आयोटा स्क्वायर की जगह उसी तरह हम क्या पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 12 और 1 आयोटा सेपरेट। अब देखें आप ये अलग अलग टर्म सॉल्व होती जा रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इज दिस, माइनस 2 स्टिल अपनी जगह पे, माइनस 6 आयोटा ये सॉल्व हो चुके हैं, 3 1 का क्या हो जाएगा आपके पास, 3। अब ये वाली जो टर्म है माइनस 1 को जब आप 9 टाइम्स करेंगे तो वो माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है, और आगे साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। लेकिन जब आप माइनस 1 को 12 टाइम्स करेंगे तो वो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 1 में और आगे आयोटा। माइनस 2 माइनस 6 आयोटा, प्लस 3 माइनस माइनस, प्लस 6 1 ज़ा 6 आयोटा, प्लस 4 1 ज़ा 4 आयोटा। अब आप देखें कि माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस 2 प्लस 3 आपके पास क्या होता है, 1 प्लस 4 आयोटा, तो आपका आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप इज दिस, जब दो ब्रैकेट्स के मिड में कुछ भी नहीं आता तो हमने उन ब्रैकेट्स को करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी आपने देखा कि जब दो ब्रैकेट्स के मिड में प्लस और माइनस एग्जिस्ट करे तो क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करे तो क्या करते हैं। अब मल्टीप्लाई में आप देखें तो आपके पास आपने करना ये है, फर्स्ट टर्म उठानी है और उसके साथ नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट आपने लिख देनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट टर्म आपने उठानी है, नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, प्लस 3 आयोटा, और इससे भी आपने ये माइनस 7 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया
और माइनस थ्री आयोटा को भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, नेक्स्ट ब्रैकेट डेट इज माइनस थ्री प्लस टू आयोटा। अब हम इन्हें करेंगे ओपन। नौ माइनस सेवन जब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, जब दो माइनस मिलेंगे वो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में हमेशा ये ऐड हो जाते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। सेवन थ्री का क्या आपके पास होता है 21। अब देखें ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो ये वाला जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। नौ सेवन टू सा 14 आयोटा। अब यहाँ पर आइए, बाहर प्लस है, ये थ्री के साथ क्या साइन है, माइनस, तो ये बाहर प्लस होने की वजह से ना ये साइन चेंज होगा और ना ही ये साइन चेंज होगा, माइनस। अब इस थ्री को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री आयोटा से। थ्री थ्री का क्या बनेगा आपके पास, नाइन आयोटा। अब जब आप इसको टू आयोटा से करेंगे तो थ्री टू ज़ा सिक्स आयोटा, और आयोटा जब मिलेंगे मल्टीप्लाई में तो हमेशा आखिर में आयोटा स्केयर आ जाता है आपके पास। अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आयोटा स्केयर की जगह माइनस वन पुट करना है। 21 माइनस 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा स्केयर की जगह आप पुट करेंगे माइनस 1। 21 माइनस, अब माइनस 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 वन ज़ा 6। अब रियल पार्ट को आप एक तरफ कर दीजिए, डैट इज़ 21 माइनस 6, और इमेजिनरी को अरेंज कर देना, यानी आपने 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा। अब 21 माइनस 6 आपके पास क्या होता है, 15। माइनस 14 और माइनस 9 क्या होता है, माइनस 23 आयोटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अगर वो आप देखें तो दिस वन, दो ब्रैकेट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। देखिए मैंने जब आपको टिक क्रॉस वगैरह एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करवाए थे तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि आपके पास जब नेगेटिव साइन इसके रेडिकल साइन के अंदर एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसे किस तरह से चेंज करते हैं। अब देखें इसको आप लिख सकते हो टू माइनस अंडर रूट के रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट फोर, यानी फोर वन था फोर, मैंने आपको ये बात सिखाई। थ्री माइनस, इसे आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट फोर और अंडर रूट माइनस वन। इस तरह ये फोर वन ज़ा फोर माइनस फोर रूट को आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपको पता है कि आयोटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, अंडर रूट माइनस वन के, और अंडर रूट फोर किसका कंप्लीट स्केयर रूट है, टू का। जिन्हें नहीं आता कैलकुलेटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट फोर विच इज़ टू। नाउ टू माइनस, अब अंडर रूट फोर की जगह आप टू लिख देंगे और अंडर रूट माइनस वन की जगह आप क्या लिख देंगे, आयोटा। नौ थ्री माइनस, अंडर रूट फोर की जगह क्या आ जाएगा, टू, और ये अंडर रूट माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। अब देखें दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मैंने अभी आपको फर्दर प्रोसीजर क्या बताया कि टू को आपने लेना है और नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट आपने साथ लिख देनी है, थ्री माइनस टू आयोटा। फिर आपने माइनस टू आयोटा को लेना है और साथ में क्या लिख देना है, थ्री माइनस टू आयोटा, वही ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई करते जाइए, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर आयोटा, ये टू इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। नौ टू थ्री ज़ा सिक्स आयोटा माइनस माइनस प्लस टू टू ज़ा फोर, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई में आयोटा और आयोटा जब मिलते हैं तो आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्केयर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, माइनस वन, ठीक है। नौ सिक्स माइनस फोर आयोटा माइनस सिक्स आयोटा प्लस माइनस माइनस फोर वन ज़ा फोर। अब आप देखें इनमें आप सिक्स माइनस फोर माइनस फोर आयोटा और माइनस सिक्स आयोटा, तो आंसर इज सिक्स माइनस इज फोर, टू माइनस फोर और माइनस सिक्स माइनस टेन आयोटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा होल का स्केयर। आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला, आपने ए माइनस बी होल स्केयर, ए माइनस बी होल स्केयर विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्केयर। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसको लिख सकते हो ए का स्केयर, ए आपके पास इस वक्त अंडर रूट फाइव है, बी आपके पास थ्री आयोटा है, ठीक है। ए का स्केयर तो अंडर रूट फाइव का स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्केयर। अब देखें ए आपके पास ये अंडर रूट फाइव है और बी आपके पास थ्री आयोटा है, फिर यहाँ थ्री आयोटा, अब ये आपके पास कैंसिल हो गया, फाइव माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स अंडर रूट फाइव आयोटा। थ्री का स्केयर आपके पास क्या होता है, नाइन आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप आयोटा स्केयर की जगह क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, माइनस वन, फाइव माइनस सिक्स अंडर रूट फाइव आयोटा प्लस नाइन आयोटा स्केयर की जगह आपने पुट कर दिया माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप फाइव माइनस सिक्स अंडर रूट फाइव आयोटा प्लस माइनस माइनस नाइन वन ज़ा नाइन। अब फाइव माइनस नाइन
माइनस सिक्स अंडर रूट फाइव आयोटा, रीअरेंज कर दिया। फाइव माइनस नाइन किसके इक्वल होता है आपके पास, फाइव माइनस नाइन इज माइनस फोर, माइनस सिक्स अंडर रूट फाइव आयोटा, यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज दिस, टू माइनस थ्री आयोटा, टू माइनस थ्री आयोटा इंटू, ये जो बार होता है ना, ये जब बार रिमूव होता है तो होता ये है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अगर ये थ्री माइनस टू आयोटा है तो जैसे ही आप इस लाइन को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री प्लस टू आयोटा। अब देखें दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हम टू को लेंगे और किस से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट डेट इज थ्री प्लस टू आयोटा, और नेक्स्ट टाइम इज माइनस थ्री आयोटा, इसको लेंगे और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री प्लस टू आयोटा, ठीक है। ओके क्लास, इसकी मल्टीप्लीकेशन आप खुद कंप्लीट करेंगे आप। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री के ऑल पार्ट्स हमने कंप्लीट किए, ठीक है। मैं डिवीजन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।